अगर आपको रिस्ट ज्वाइंट में थंब वाले एरिया में पेन की प्रॉब्लम है, टेंडरनेस की प्रॉब्लम है या इन्फ्लेमेशन है, तो आपको मे बी डीक्वर्विन टीनोसाइनोवाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम में आपको थंब का मूवमेंट करने में दर्द होता है, दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं ये प्रॉब्लम होती क्यों है। एक्चुअली यहाँ के जो दो टेंडन्स होते हैं, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, जिनमें स्वेलिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। वो टेंडन्स इन्फ्लेम हो जाएंगे, तो आप जब भी थंब का कोई भी मूवमेंट करोगे तो आपको दर्द होगा। हमारे रिस्ट जॉइंट में एक बैंड जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसर रेटिनिकुलम। वो बैंड थोड़ी टाइट हो जाती है, जब वो टाइट होगी तो आपके ये जो दर्द टेंडन है थंब के पास, उन टेंडन में इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन होगा तो दर्द होगा, सूजन हो जाएगी, और जब भी कोई मूवमेंट होगा तो आपको बहुत दर्द होने लगेगा। आप छूओगे तो भी पेन होता है। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। हमारी फिजियोथेरेपी में डीक्वर्विन टीनोसाइनोवाइटिस को बहुत इजी तरीके से ट्रीट किया जाता है। हम तीन थेरेपी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी एंड क्रायोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में कुछ मशीन मॉडलिटीज है जो कि हम यूज करते हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड, लेजर थेरेपी एंड टेंस थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी में कुछ सिंपल एक्सरसाइज है जिसको आप घर पे परफॉर्म करके अपनी इस प्रॉब्लम से रिलीफ पा सकते हैं। एंड थर्ड इज क्रायोथेरेपी, जिसमें आप आइस पैक का यूज करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में कि हम कौन से सिंपल एक्सरसाइज परफॉर्म करके अपनी इस प्रॉब्लम से रिलीफ पा सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज, आपको थंब को अंदर की ओर मोड़ना है, लाइक दिस फिस्ट बनाना है, एंड देन नीचे की ओर झुकाना है, अल्लार डिविएशन करना है, लाइक दिस रिलैक्स, फिर से बेंड रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आप 8 to 10 टाइम करेंगे, ओके। देन थंब का एबडक्शन अडक्शन करना है, बिल्कुल ऐसे दूर ले जाइए पास लाइए, दूर ले जाइए पास लाइए, दूर ले जाइए पास लाइए। ध्यान रखिएगा पूरी एक्सरसाइज में आप थंब का मूवमेंट विद इन अ लिमिट ऑफ पेन करेंगे, मतलब आपको दर्द नहीं होना चाहिए। उतना ही खोलिए, उतना ही हिलाइए जितना आपको आराम मिल रहा है, दर्द नहीं होना चाहिए। सो दिस वन। उसके बाद आपको करना क्या होगा, टिप ऑफ फिंगर को टच करना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इसको भी आप 8 to 10 टाइम करेंगे। देन थंब एक्सटेंशन, इसको भी आप 8 to 10 टाइम करेंगे, ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप रबड़ बैंड का यूज कर सकते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए। ऐसे अपने फिंगर में फंसाइए, ठीक है, एंड ओपन करिए, रिलैक्स, ओपन, 1 सेकेंड के लिए होल्ड करिए, रिलैक्स, 1 सेकेंड, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आप 8 to 10 टाइम कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिस्ट बनाना है आपको। इस बार आपको थंब को बाहर रखना है, बिल्कुल ऐसे फिस्ट बनाइए, थंब बाहर, स्ट्रेच, नीचे की ओर झुकाइए, ओके, अल्लार डिविएशन करना है 8 to 10 टाइम। ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आप क्रायोथेरेपी का यूज कर सकते हैं, यानी कि 10 to 15 टाइम आप यहाँ पे आइस पैक का इस्तेमाल करिए। ज्यादातर क्या होता है कि ये प्रॉब्लम मोस्टली बहुत ज्यादा जो रिपीटेड मूवमेंट करते हैं थंब का, उनको होती है। तो आप स्प्लिंट का यूज करिए, रिस्ट ज्वाइंट में एक थंब स्प्लिंट आता है, उसको लगाइए, जिसकी वजह से आपका थंब जो रहेगा वो न्यूट्रल पोजिशन में रहेगा, रेस्ट मिलेगा इसको और रिकवरी इसकी बहुत अच्छे से होगी। तो ये कुछ थेरेपी एंड ट्रीटमेंट इस्तेमाल करके आप अपनी इस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से रिलीफ पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।